सो फ्रेंड्स, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेन चीज है, इसके बिना आपका काम अधूरा है। तो मैं लैपटॉप वगैरह जल्दी से रख लूंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ मोतीबाग मम्मी के यहाँ, संदीप आएंगे सैटरडे संडे तक। सो मैं वहां जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को, जैसा मैंने आपको बताया था, दांत में डॉक्टर के पास जाना था कैप वगैरह लगवाने के लिए। सो अब जब संदीप को लंबा टाइम लग रहा है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी की कैप लगवानी है। तो मैं अब ये सारा सामान रख लेती हूँ, क्योंकि अब ये मेरी सबसे बड़ी नीड है, तो मैं ये रख रही हूँ पहले। तो ये वो सामान है जो मैं वैसे ज़्यादातर जनरली कैरी करती हूँ। सो ये है एक क्रीम, क्योंकि आजकल क्रीम की बहुत ज़रूरत पड़ती है स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। ये मेरा सनस्क्रीन है, ये मेरी लिपस्टिक है, ये रैने ब्यूटी की है, ये मैंने न्यू मंगवाई है, इसका रिव्यू मैं आगे करूँगी, बट वैसे मैं वैसे बता देती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें आप देख सकते हैं 5 शेड है, मतलब अलग अलग। सो ईजी है कैरी करने में। एक लाइनर है, ये मेरा ब्रो फिलर है, ये मेरा काजल है, और ये तो सभी जानते होंगे डियो, ये है आपका बॉडी डियो टाइप। सो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मोतीबाग, वसुंधरा से निकल गए हैं, और मम्मी देख रही है व्लॉग्स वगैरह, एंड मैं देख रही हूँ बाहर थोड़ा, एंड मुझे बहुत नींद आ रही है गाड़ी में बैठ के। पता नहीं क्यों मुझे ना गाड़ी में बैठते ही नींद आने लग जाती है। सो मैं तो थोड़ा सो रही हूँ। तो मैं पहुंच गई हूँ मोतीबाग, और ये रे पापा, पापा से मिलवा देती हूँ सबसे पहले आपको। हेलो, हाय, वेलकम। पापा हमारे वेट कर रहे थे, और पापा ने देखना पूरा घर ऐसे बिखेर रखा, अभी भी सामान वहां का वहीं पड़ा। मम्मी ऐसा बोल रही थी मुझे तो पहले। मैं तो बहुत संभाल के, अभी तेरे मम्मी ने बिखेरा है। मम्मी ने तो स्वेटर रखा, पापा ने तूने बिखेरा है। मैं अभी अभी लाई हुई है, इसे पैर रखा था मैंने। मम्मी ने बिखेरा, मम्मी ने। अरे कैंटीन का सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, पहले दोनों कैंटीन से जो सामान आया था वो अभी यही पड़ा हुआ है, जब से मम्मी हमारे यहाँ गई है। कोई नहीं, कोई नहीं। पापा ऑफिस से कब आए? फुर्सत नहीं, अभी आया मैं 6:30। अच्छा चलो, अब हम चाय वाय पियेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड, हम लोग शाम को लेट हो गए थे, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, वसुंधरा से यहाँ आते आते टाइम लग गया था। वैसे तो मम्मी को दांत के डॉक्टर के पास भी जाना था, बट हम इतना लेट हो गए, तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल किया। मम्मी कल ही जाएंगी, तो पापा ने यहाँ पे बना दिया था खिचड़ी, ये मुझे बहुत पसंद है, काली दाल की खिचड़ी, पहाड़ी खिचड़ी। सो पापा ने तब तक बना दिया था जब तक हम लोग पहुंचे, और अब हम गरम गरम खिचड़ी खा रहे। सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, हस्बैंड एज अ हस्बैंड वाइफ। सो आप लोगों को भी करना चाहिए, जब एक नहीं होता तो दूसरे की मदद करने के लिए ये सब चीजें करनी चाहिए। वही तो घी भी, ये घी घर पे बनाया है। हाँ, मलाई से, अब तो नहीं आता मलाई दूध, हम कम कर दिया हमने दूध। अब घी भी है खिचड़ी के साथ, तो अब हम लोग खा लेते हैं। इतना टाइट जल्दी से आइए, आप भी खाइए, शेयर कीजिए। ये मेरे भाई की डांट लग रही थी, वो अभी तक घर आया नहीं है, क्योंकि नीचे खेल क्या, वो बैडमिंटन खेलने गया है। ये लो सबसे पहले ग्राइंड, रुको मैं दिखा, ये लो आ जाओ, खिचड़ी खाओ, बहुत स्वादिष्ट बनी हुई है आपके लिए भी। रावत जी ने बनाई है, रावत जी ने बनाई है, इतनी पहाड़ी खिचड़ी। सो खिचड़ी बहुत टेस्टी हो रही है, एंड मैं खिचड़ी के साथ जो मैंने मिर्चियां बनाई थी ना, आपने व्लॉग में देखा होगा, मिर्ची वाला जो ढाबा स्टाइल मिर्ची थी, मैं वो भी लेकर आ गई थी यहाँ, क्योंकि बची हुई थी वहां पे थोड़ी बहुत, तो मैं लेकर आ गई थी, और इतनी टेस्टी लग रही है ना। सो खिचड़ी के साथ मिर्ची, वैसे पापड़ वगैरह भी बनता है, पापा भी खा रहे हैं, बहुत स्वाद हो रही मिर्ची। ये मिर्ची अच्छी लगती है खाने में। इसमें देख, ये वो वाली साड़ी दिखा रहा है। मम्मी अभी भी पता है फोन पे लगी है, मम्मी गाड़ी पे भी फोन पे लगी हुई थी, मम्मी यहाँ पे भी फोन पे लगी हुई है। ये मैडम, ये फाइल बना ले, फाइल में लिख दे कि मैंने कौन सी चीज करा रखी, कौन सी, तब ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, ये तो ढूंढते रह जाओगे बस। फाइल बनाई तो फ्रेंड्स, यहाँ हो क्या रहा है मैं बताती हूँ। हम पता है इतनी देर से ये कंबल ढूंढ रहे हैं ना, और मम्मी ने इस बेड में ये कंबल रखा था, और निकाला भी बेड, बेड खोला भी,
पर मम्मी को कंबल मिला नहीं। मम्मी चीजें इतना संभाल के रखती है ना, फिर हमें मिलती नहीं है, इसलिए फाइल बना लो। इस बेड के अंदर क्या, इस बेड के अंदर ये होना चाहिए। वैसे सही बात है, रखना चाहिए ध्यान। आपको याद नहीं रहता ना, आपको कहीं लिख देना चाहिए कि मैंने ये चीज इस बेड के अंदर रखी है। मतलब तुम क्या चाहते हो कि मैं मतलब भुलक्कड़ हो गई पागल? भुलक्कड़ तो है तो भाई, एक कंबल के चक्कर में हमने इतने बेड छान दिए। वैसे ऐसा सभी के घर में होता होगा ना कि जब कोई आता है तो फिर उसके लिए कंबल निकालो, वरना उतने ही लोगों के कंबल बाहर निकली हुई होती है। तो अब यही हो रहा है, मैं क्योंकि मेरे चक्कर में कंबल निकालनी पड़ रही थी तो मिली नहीं रही थी कि कहाँ रखी है। एंड पापा बोल भी रहे थे कि लिख कर रख दिया करो कहाँ क्या रखा है, क्योंकि ना हमेशा ऐसे होता है हमें चीजें फिर मिलती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं संभली हुई, संभली हुई है लेकिन मिलेगी नहीं एंड में। और अब शैंकी आ गया, मैं आपको जरा शैंकी से भी मिलवाती हूँ। तो शैंकी भी आ गया खेल के, मैं कितनी छोटी लग रही हूँ। हाय गाइस, शैंकी आ गया अभी बैडमिंटन खेल के, और इसने खाना नहीं खाया, हम लोगों ने खाना खा लिया है। बहुत प्यार करती है तुम मेरे से, हमने खा लिया इसलिए हम बहुत प्यार करते हैं ना। सॉरी गाइस, मैं भूल गई थी वीडियो को एंड करना, सो मुझे याद आया अचानक से, मैं सोने जा रही थी कि वीडियो तो एंड हुआ ही नहीं है और पापा मम्मी सो चुके हैं। सो आई होप अब मैं मोतीबाग पहुंच गई हूँ, यहाँ के व्लॉग्स आपको मिलेंगे कुछ दिनों तक, जब तक संदीप देहरादून से नहीं आते। सो अच्छा लगेगा मुझे भी आपके साथ शेयर करके, मतलब यहाँ के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मैं अपने पुराने टाइम को फिर से जी रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मम्मी औरों के यहाँ आने में। सो मैं चाह रही हूँ, क्योंकि अब से मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैंने 28 दिन का चैलेंज लिया है। सो मैं चाहती हूँ कि उस चैलेंज में मैं खरी उतरूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कर सकूँ। सो व्लॉग को यहीं करती हूँ एंड अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, कमेंट बात करने का ज़रिया होता है हम लोगों का, कमेंट खूब किया कीजिए नीचे। एंड प्लीज़ जो जो नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जल्दी से 1000 तक तो पहुँचाइए। तो बाय, गुड नाइट।